हेलो क्लास, नाउ वी स्टार्ट कंपोजिशन फंक्शन या कंपोजिट फंक्शन। अब कंपोजिट फंक्शन होता क्या है? दैट इज कंबाइन ऑफ मैनी मोर फंक्शंस, दैट इज कॉल्ड कंपोजिट फंक्शन। अब मैनी मोर का मतलब क्या हो गया? कंबाइन मैनी मोर का मतलब ये नहीं हो गया कि आप उसको ऐड करें या मल्टीप्लाई करें। ये कंबाइन या कंपोजिट एक रूल होता है फंक्शन का। तो इसमें लिखा हुआ है कंपोजिट फंक्शन होता क्या है? लेट एफ फंक्शन जो है आपका एफ डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी एंड सेकेंड फंक्शन गिवन है जी सच दैट बी टेंडिंग टू सी, या फंक्शन जी डिफाइंड फ्रॉम बी टू सी, बी टू फंक्शंस देन अ फंक्शन then a function g of f defined from a to c is called composite function। देखिए क्या लिखा हुआ है, लेट फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी एंड सेकंड फंक्शन गिवन है जी डिफाइंड फ्रॉम बी टू सी, बी टू फंक्शंस, देन अ फंक्शन जी ऑफ एफ, यही आपका रूल है, ये कंपोजिट फंक्शन का रूल है, जी ऑफ एफ डिफाइंड फ्रॉम ए टू सी इज कॉल्ड कंपोजिट फंक्शन। इट इज डिनोटेड बाय g of f x or g of f of x such that x belongs to a for every x belongs to a। कैसे इसको शो करेंगे? मान लेते हैं एक आपका सेट a है, दूसरा सेट आपका b है और तीसरा सेट आपका सी दे रखा है। ये तीन सेट दे रखे हैं। जो सेट ए है वो डिफाइन हो रहा है ए टू बी, जो बी है वो डिफाइन हो रहा है बी टू सी। मान लेते हैं कि जो सेट ए है उसका एलिमेंट एक्स है। अब जो ये एक्स है वो डिफाइन हो रहा है एफ से, फंक्शन से डिफाइन हो रहा है, दैट मीन्स एक्स जो है वो रिलेट हो रहा है किससे? एफ से। तो यहां पर क्या हो जाएगा? एफ ऑफ एक्स, एक्स का जो रिलेशन है वो एफ के साथ बन रहा है, दैट मींस ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स। अब क्या करना है? ये एफ एक्स का रिलेशन किसके साथ हो रहा है? जी के साथ हो रहा है। तो इसको कैसे लिखेंगे? जी ऑफ एफ एक्स। ए ये क्या है? जो सेट ए है ये डोमेन है, और सेट बी क्या है? ये आपका को डोमेन हो गया, या फिर ये आपकी रेंज हो गई। अब जब फंक्शन डिफाइंड होगा आपका बी टू सी डिफाइंड होगा, तो जो बी होगा वो डोमेन को डिफाइन करेगा और जो सी होगा ये रेंज या को डोमेन को डिफाइन करेगा। वैसे को डोमेन को डिफाइन करेगा, यहां पर रेंज की बात नहीं होगी। ऑलवेज बी एंड सी, ए के लिए बी आपका को डोमेन होगा और बी के लिए सी जो आपका है ये को डोमेन होगा। ठीक है, अब इसमें है क्वेश्चन, ये बहुत ही ईजी है, इसके क्वेश्चन को अगर आप सोल्व करेंगे तो आपको बहुत ईजी लगेगा। डेफिनेशन पर मत जाइए, डेफिनेशन से बहुत ज्यादा मतलब नहीं है, केवल आपको यह देखना है कि जो कंपोजिट फंक्शन होता है उसको डिफाइन कैसे करते हैं, उसका रिलेशन कैसे बनता है, बाकी इसके क्वेश्चन जो है बहुत ही इजी होते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, चलिए इसको एग्जांपल से समझते हैं। कंसीडर करते हैं एक फंक्शन आपका एफ एक्स है, दैट इज एक्स स्क्वायर, और दूसरा फंक्शन गिवन है आपका जी ऑफ एक्स, दैट इज साइन ऑफ एक्स। एफ एक्स गिवेन है आपका एक्स स्क्वायर एंड जी एक्स गिवेन है आपका साइन एक्स। फाइंड फॉग एंड गॉफ, आपको फॉग फाइंड करना और गॉफ फाइंड करना, यही आपको हर क्वेश्चन में मिलेगा और बहुत ही इजी वर्किंग है। देखिए कैसे करते हैं, पहले हम लोग डिफाइन करते हैं फॉग को। इसको लिख सकते हैं
एफ ऑफ जी एक्स, एफ ऑफ जी एक्स, एफ ऑफ, इसको ऐसे लिख सकते हैं एफ ऑफ जी एक्स, एफ ऑफ। अब जी एक्स की वैल्यू आपके पास क्या है, जी एक्स की वैल्यू हमारे पास है साइन एक्स, तो यहां पर लिख देंगे साइन एक्स। आगे क्या होगा, अब ये क्या लिखा होगा एफ ऑफ साइन एक्स, इसको कैसे बोलेंगे एफ ऑफ साइन एक्स। अब इधर देखो, जब यहां पर लिखा हुआ एफ एक्स तो यहां पर क्या लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स ये जो एक्स लिखा हुआ है उसको स्क्वायर कर दिया गया, यहां पर एक्स स्क्वायर हो गया। यहां पर क्या लिखा हुआ है, यहां पर आपके पास जो लिखा है उसमें एक्स की जगह क्या लिखा हुआ, अगर इस एक्स को देखें और इसको देखें तो इस एक्स को रिप्लेस किया गया किससे, साइन एक्स से। तो जब यहां पर एक्स है तो यहां पर एक्स स्क्वायर हो गया, जब यहां पर साइन एक्स है तो क्या हो जाएगा आपका साइन एक्स का होल स्क्वायर। और इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स, दैट इज योर आंसर। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा आपको फाइंड करना है गॉफ, गॉफ। तो ये जो लिखा हुआ है इसको पहले कैसे लिखेंगे, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, या इसको लिखें जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ओके। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, जी ऑफ एफ एक्स की वैल्यू क्या हमारे पास है, एफ एक्स की वैल्यू है एक्स स्क्वायर, तो यहां पर पुट कर देंगे एक्स स्क्वायर। अब ये हो गया जी ऑफ एक्स स्क्वायर, तो फाइनली आपको वैल्यू फाइंड करनी है जी ऑफ एक्स स्क्वायर की। कैसे करेंगे, यहां पर जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है साइन एक्स, मतलब ये हुआ कि जब यहां पर एक्स आ रहा है तो यहां पर एक्स आ रहा है, साइन के साथ में एक्स आ रहा है, जब यहां पर एक्स आ रहा है तो फंक्शन में साइन के साथ में एक्स आ रहा है, यहां पर क्या है, यहां पर एक्स की जगह पर आ रहा है एक्स स्क्वायर, तो क्या करेंगे इस एक्स को रिप्लेस करा देंगे एक्स स्क्वायर से, तो आपको मिलेगा साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, दैट इज योर आंसर। Now next question is given, f of x is equal to e to power x and g of x is equal to log x to base e। यहां पर भी आपको fog find करना है and gof find out करना है। चलिए पहले हम लोग find करते हैं fog, इसको कैसे लिखेंगे, f of g x, f of gx, fog को लिखेंगे f of gx। अब इस f of gx का मतलब क्या हो गया, f of gx को replace कर देंगे, gx की वैल्यू क्या है log x to base e, log x to base e। आगे देखें, अब आपको फाइंड करनी है f of log x to base e की वैल्यू, और आपको मालूम है कि f x की वैल्यू कितनी है e to power x, जब यहां पर x आ रहा है तो यहां पर भी x आ रहा है। अब इस x की जगह पर क्या लिखा हुआ है, log x to base e लिखा हुआ है, that means इस x को या इस x को रिप्लेस करेंगे log x to base e से, तो क्या मिलेगा आपको फाइनली e to power, ये जो आपका x लिखा हुआ है इस x की जगह पर पुट करेंगे log x to base e, और log अगर e to power log x लिखा हुआ है, ध्यान रखना ये बहुत कम आएगा आपके जब कैलकुलस करेंगे आप इंटीग्रेशन, तो इसमें बहुत यूज होगा, e टू पावर log x की वैल्यू होती है x, तो फाइनली इसका आंसर आ जाएगा x, ये इसका हो गया आंसर। अब आता है दूसरा, दूसरा हमारे पास क्या है g ऑफ f, आपको गॉफ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, देखो कैसे करते हैं, इसको लिखेंगे g ऑफ f ऑफ x, g ऑफ fx की वैल्यू क्या है, fx की वैल्यू गिवन है e टू पावर x, e to power x। अब आपको फाइंड करना है g of e to power x की वैल्यू फाइंड करनी है, देखें ध्यान से, जब यहां पर x लिखा हुआ है तो यहां पर x आ रहा है, अब इस x को रिप्लेस करा देना है किससे, e to power x से, तो क्या मिलेगा आपको log of e to power x upon base e। अब पावर जो होती है log में वो आगे आती है, तो इसको आगे लिखेंगे x को, बचे हमारे पास क्या log e to base e, वैल्यू और बेस अगर सेम है तो उसकी वैल्यू वन होती है, लाइक अगर कहीं पर लिखा हुआ है
log 2 to base 2 that means 1, अगर लिखा होगा log 10 to base 10 that means 1, ऐसे यहाँ पर लिखा होगा e to base e that means value 1, तो आ जाएगा x into 1 that means x, ये हो गया आपका आंसर। Now we start exercise 1.3, question number first. Question is given, function defined from this set to this set and second function is defined from this set to this set. इस function का जो relation है वो दे रखा है 1, 2, 3, 5, 4, 1 और जो function second है उसका relation आपका ये given है। करा find the value of gof, find the value of gof, आपको यहां से गॉफ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। चलिए करते हैं, इजी है, चलिए ध्यान दें। पहले जो ये लिखा हुआ है इसको देखते हैं, मान लेते हैं ये आपका सेट ए है, कंसीडर कर लेते हैं कि आपका ये सेट ए है और ये सेट बी है, ये सेट बी है और ये सेट सी है। आपने पढ़ा था कि जब कंपोजिशन फंक्शन हमने डिफाइन किया था उसमें एक ऐसा फंक्शन था जो कॉमन था दोनों में, दैट मींस बी जो फंक्शन होता है वो दोनों में कॉमन होता है और निकल करके क्या आता है ए एंड सी का रिलेशन बन करके आता है। तो चेक करते हैं, यहां पर एक सेट आपका ये दे रखा है, इसके एलिमेंट्स गिवन है 1, 3 एंड 4, दूसरा गिवन है 1, 2, 5 और ये रिलेशन डिफाइंड हो रहा है एफ। रिलेशन क्या है देखें ध्यान से, ये रिलेशन दे रखा है 1, 2, तो 1 का रिलेशन 2 से, 3 का रिलेशन 5 से और 4 का रिलेशन 1 से। ओके, सेकंड गिवन है आपका, सेकंड के एलिमेंट्स गिवन है 1, 2, 5 और इसका दे रखा है आपका 1 एंड 3। जो रिलेशन है उसको देखते हैं, 1 का रिलेशन है 3 से तो 1 का रिलेशन 3 से कर दिया, 2 का रिलेशन 3 से है 2 का रिलेशन 3 से कर दिया और 5 का रिलेशन 1 से है तो 5 का रिलेशन 1 से। ये फंक्शन डिफाइंड हो रहा है फंक्शन जी। ओके, अब देखिए वैल्यूज क्या है यहां पर है, जैसे आपके पास होता है एफ ऑफ एक्स तो वैसे ही ये हमारा x होता है और ये आपका y होता है, लिखते हैं हम लोग fx is equal to y, ये फंक्शन को लिखते हैं, इस तरह लिखने का तरीका होता है। तो इसमें क्या करना है आपको, जो आपको पता है कि जो सेट फर्स्ट होता है उसके जो एलिमेंट्स होते हैं वो x होते हैं और जो सेकंड सेट होता है उसके एलिमेंट्स को y बोलते हैं, तो ये आपका y हो गया और ये आपका x हो गया। x जो आपका होता है ये इनपुट होता है और y जो होता है वो आउटपुट होता है। तो देखिए यहां पर इनपुट हमारे पास क्या है, पहले हम 1 को पुट करेंगे तो आपको मिलेगा f ऑफ 1 और f ऑफ 1 की वैल्यू क्या है 2 है। ओके, फिर है 3 तो f ऑफ 3, f ऑफ 3 की वैल्यू कितनी है 5। ओके, नेक्स्ट क्या है 4, तो g ऑफ 4 की वैल्यू हमारे पास है 1। सेकंड में चेक करते हैं, सेकंड में क्या है g ऑफ 1, g ऑफ 1 की वैल्यू है 3, फिर क्या है 2 है हमारे पास तो g ऑफ 2 की वैल्यू कितनी है 3 और लास्ट में क्या है 5, तो g ऑफ 5 इज इक्वल टू 1, g ऑफ 5 इज इक्वल टू 1, ये सारी वैल्यूज हमने लिख दी। अब आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है g ऑफ f। चलिए स्टार्ट करते हैं, g ऑफ f, तो g ऑफ f का मतलब क्या होता है, जब कंपोजिशन हमने आपको डिफाइन किया था तो हमने बताया था आपको कि g ऑफ f को लिखते हैं g ऑफ f ऑफ x, g ऑफ f ऑफ x और x क्या होता है, x हमारा होता है इनपुट, तो इनपुट हमारे पास यहां पर क्या है, यही तो हमारे पास इनपुट है x वाला, तो यहां से स्टार्ट करते हैं। जब x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा आपको, g ऑफ fx दैट मींस f ऑफ 1, पहले हम वैल्यू पुट करेंगे x की वैल्यू 1, तो ये मिलेगा आपको g ऑफ 1 और f ऑफ 1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 2,
जब आपने वन पुट किया तो क्या मिला आपको, एफ ऑफ वन मिला, और एफ ऑफ वन की वैल्यू क्या है, टू है, तो ये हो जाएगा जी ऑफ टू। अब आगे आते हैं, आपको पता है जी ऑफ टू की वैल्यू कितनी आ रही है, थ्री, तो एक वैल्यू आ गई। हमने अभी आपको बताया था कि जो रिलेशन होता है वो डिफाइन करता है जी ऑफ एफ का रिलेशन ए टू सी डिफाइन होता है, ये रिलेशन होता है जी ऑफ एफ डिफाइंड फ्रॉम ए टू सी। तो यहां पर क्या है, ये मान लेते हैं कि ये आपका ए है, ये बी है, ये बी है, और ये आपका सी है, यही तो आता है। तो डिफाइन कहां से हो रहा है, जी ऑफ एफ जो है वो कहां से डिफाइन हो रहा है, ए टू सी डिफाइन हो रहा है। तो ये आपका ए है और ये आपका सी है, तो देखें ध्यान से, एफ ऑफ वन या यहां से देखेंगे तो जी ऑफ वन की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, थ्री आएगी। अभी सारे चेक करते हैं, सेकेंड वैल्यू क्या पुट करेंगे, थ्री पुट करेंगे, तो क्या मिलेगा आपको, जी ऑफ एफ ऑफ थ्री, जी ऑफ एफ ऑफ थ्री। तो जब थ्री पुट करेंगे तो उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, एफ ऑफ थ्री की, एफ ऑफ थ्री की वैल्यू आ रही है फाइव, तो ये हो गया जी ऑफ फाइव। और जी ऑफ फाइव ये लिखा हुआ है, जी ऑफ फाइव की वैल्यू कितनी है, वन, तो ये हो गया जी ऑफ फाइव की वैल्यू वन। ओके, इसके बाद पुट करेंगे फोर, तो ये हो जाएगा आपका जी ऑफ एफ ऑफ फोर, तो जी ऑफ एफ ऑफ फोर, एफ ऑफ फोर की वैल्यू कितनी है, वन, तो आप पुट करेंगे वन। और जी ऑफ वन की वैल्यू कितनी आ रही है, जी ऑफ वन की वैल्यू थ्री आ रही है। तो देखा आपने जो रिलेशन बन के आ रहा है, जी ऑफ एफ वन की वैल्यू थ्री, जी ऑफ एफ थ्री की वैल्यू वन, जी ऑफ एफ फोर की वैल्यू थ्री, तो ये हमारा निकल कर आ गया गॉफ। तो बहुत इजी है, केवल आपको वर्किंग करनी है, और जो क्वेश्चन दे रखा है उसके अकॉर्डिंग, जो कहा गया उसके अकॉर्डिंग आप करते जाएंगे तो आपको बहुत आसानी से सब क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड इज गिवन, लेट एफ कॉमा जी एंड एच बी फंक्शंस डिफाइंड फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर। जो फंक्शन आपका है कौन कौन से हैं, एफ जी एंड एच, ये आपके फंक्शन गिवन है। ये जो फंक्शन गिवन है ये डिफाइन हो रहा है रियल नंबर टू रियल नंबर, रियल नंबर टू रियल नंबर फंक्शन को डिफाइन किया गया है। शो दैट, दो पार्ट दे रखे हैं, फर्स्ट पार्ट करा रहे हैं, शो दैट एफ प्लस जी ऑफ एच इज इक्वल टू एफ ऑफ एच प्लस जी ऑफ एच, ये आपको शो करना है। तो देखिए कैसे करना है, सिंपल है, लेफ्ट हैंड को लेके चलेंगे और बाद में राइट हैंड का भी यूज कर लेंगे। तो लेफ्ट हैंड क्या गिवन है आपको, एफ प्लस जी ऑफ एच अब इसको कैसे लिखेंगे, देखें ध्यान से, इसको लिखेंगे एफ प्लस जी ऑफ एच ऑफ एक्स, एच ऑफ एक्स। अब क्या करेंगे, इसका अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे, तो मल्टीप्लाई कराने पर क्या मिलेगा, एफ ऑफ एच एक्स प्लस जी ऑफ एच एक्स, एफ ऑफ एच एक्स प्लस जी ऑफ एच एक्स। अब एक काम करते हैं, हम पूरे से x को कॉमन ले लेते हैं, जब कॉमन ले लेंगे तो क्या मिलेगा आपको, f ऑफ h प्लस g ऑफ h, और ब्रैकेट में क्या मिलेगा, x। ओके, ये वैल्यू किसकी आ रही है, ये हमारा लेफ्ट हैंड हो गया, मतलब हो गया f ऑफ h प्लस g ऑफ h, और बाहर हमने कॉमन कितना ले लिया, x। अगर हमने इस फंक्शन के साथ में, जो हमारा लेफ्ट हैंड का फंक्शन था उसके साथ में x लिया हुआ है, तो जो राइट हैंड में दे रखा उसके साथ में भी x लेके चलेंगे, तो कैसे लिखेंगे इसको, f ऑफ h प्लस g ऑफ h, और साथ में ले लिया हमने x।
अब ये x से आपका x कैंसिल हो गया, तो देखिए लेफ्ट राइट हमारा इक्वल हो जाएगा f ऑफ h प्लस g ऑफ h इज इक्वल टू f ऑफ h प्लस g ऑफ h। हेंस सेकेंड क्वेश्चन जो आपका दे रखा है, इसका सेकेंड जो पार्ट दे रखा है वो भी बहुत इजी है, आप ऐसे इसको सॉल्व करेंगे बहुत इजी वे में सॉल्व हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड इज गिवन, फाइंड गॉफ एंड फॉक। फंक्शन इज गिवन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ 5x माइनस 2। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। पहले हम लोग फाइंड करते हैं गॉफ। इस गॉफ का मतलब हो गया जी ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स आगे क्या हो जाएगा जी ऑफ, या इसको ऐसे लिख दें जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। जी ऑफ एफ एक्स की वैल्यू क्या हमारे पास है, एफ एक्स की वैल्यू है मॉड ऑफ एक्स, मॉड ऑफ एक्स। अब देखें जरा ये जी एक्स लिखा हुआ है तो जी एक्स की वैल्यू क्या है मॉड ऑफ 5x माइनस 2, तो पहले लगा देते हैं यहां पर मॉड 5 लिख देंगे। जब यहां पर x आ रहा है तो यहां पर x आ रहा है, इस x की जगह हमको क्या पुट करना है मॉड ऑफ x, यहां पर हो जाएगा 5 मॉड ऑफ x माइनस 2, दैट इज योर आंसर। इसका सेकेंड पार्ट गिवन है फॉग f ऑफ g ऑफ x, f ऑफ g ऑफ x कैसे करेंगे इसको, f ऑफ g ऑफ x, f ऑफ g ऑफ x की वैल्यू हमारे पास क्या है मॉड ऑफ 5x माइनस 2। ओके अब आपको फाइंड करना है f ऑफ मॉड ऑफ 5x माइनस 2, fx की वैल्यू क्या है हमारे पास, fx की वैल्यू है मॉड ऑफ x। अब यहां पर जो ये लिखा हुआ है मॉड ऑफ 5x माइनस 2 इसको रिप्लेस करा देना कैसे x, तो कैसे करेंगे क्या हो जाएगा, ये मॉड लगा हुआ है तो यहां पर मॉड लगा देंगे, अगर ये मॉड लगा हुआ है देखिए यहां पर x है तो यहां पर लिखा हुआ है मॉड ऑफ x तो मॉड लगा दिया हमने, ये जो x है वो इसको रिप्लेस करेगा कैसे 5 मॉड ऑफ 5x माइनस 2 से, तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ओके इजी है। अब ऐसे इसका है सेकेंड पार्ट, उसको भी सॉल्व करते हैं। नाउ सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट इज गिवन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 8x क्यूब जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर 1/3। वही आपको करना है, पहले आपको फाइंड करना है गॉफ, दैट मींस जी ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, एफ एक्स की वैल्यू गिवन है 8x क्यूब, तो यहां पर लिख देंगे 8x क्यूब। ओके अब देखो क्वेश्चन में करना क्या है, यहां पर क्या आ रहा है जी ऑफ 8x क्यूब आ रहा है, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ये क्या लिखा हुआ है जी एक्स लिखा हुआ है और जी एक्स की वैल्यू कितनी है एक्स टू पावर 1/3, दैट मीन्स देखो ध्यान से करना क्या है, जी एक्स की वैल्यू गिवन है एक्स टू पावर 1/3, मतलब जब यहां पर एक्स आ रहा है तो यहां पर एक्स आ रहा है, जी के साथ में जब यहां पर एक्स आ रहा है तो यहां पर एक्स पावर 1/3 आ रहा है, मतलब पावर आपकी जो है वो कॉमन है वो चेंज नहीं होगी, जो एक्स की वैल्यू है वो आपकी रिप्लेस होगी, कैसे होगी देखो ध्यान से, ये जो 8x क्यूब दे रखा है उसको पुट कर देंगे एक्स की प्लेस पर तो क्या मिलेगा आपको 8x क्यूब और उसकी पावर कितनी है 1/3, मतलब समझिए आप जब यहां पर एक्स है तो बेस में क्या आ रहा है एक्स आ रहा है, अब इस एक्स की जगह पर यहां क्या लिखा हुआ 8x क्यूब, तो एक्स की जगह जो हमारा बेस एक्स है उसकी जगह पर क्या लिख देंगे 8x क्यूब, होल पावर कितनी हो जाएगी 1/3। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो इसको लिख सकते हैं 8 होल पावर 1/3 इंटू एक्स क्यूब होल पावर 1/3, 3 से 3 आपका कैंसिल हो जाएगा, ये 1/3 का मतलब हो गया क्यूब रूट और 8 का जब क्यूब रूट निकालेंगे तो मिलेगा 2 और ये पावर से पावर कैंसिल हो गए तो कितना बचा x, तो आंसर भी आ गया इसका 2x। सेकेंड पार्ट हमारे पास है
फॉग एफ ऑफ जी एक्स, एफ ऑफ जी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, एफ ऑफ जी एक्स और जी एक्स की वैल्यू हमारे पास गिवन है एट एक्स सॉरी एक्स पावर वन अपॉन। ओके आगे सॉल्व करते हैं, देखो ध्यान से यहां पर एफ एक्स की वैल्यू गिवन है एट एक्स पावर थ्री, मतलब जब यहां पर एक्स आ रहा है तो यहां पर आ रहा है एक्स पावर वन अपॉन थ्री, लेकिन यहां पर एक्स की जगह पर क्या लिखा हुआ है एक्स पावर वन अपॉन थ्री, तो कैसे लिखेंगे एट जैसा वैसे ही रखेंगे, एट वैसे लिख दिया। ओके इस एक्स की जगह पर पुट करेंगे एक्स क्यूब, जब यहां पर एक्स आ रहा है तो यहां पर आ रहा है एक्स क्यूब। ओके जब यहां पर एक्स है तो यहां पर कितना आ रहा है एक्स क्यूब आ रहा है, और यहां पर कितना दे रखा है एक्स पावर वन अपॉन थ्री, तो कैसे करेंगे देखो ध्यान से, पावर को अलग कर देंगे और बेस जैसा वैसे रखेंगे वन अपॉन थ्री फोर पावर थ्री, इस एक्स की जगह पर हमने क्या पुट कर दिया एक्स पावर वन अपॉन थ्री, उसकी पावर कितनी है थ्री, तो पावर लगा दी थ्री, पावर से थ्री कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा कितना हमारे पास एट एक्स, दैट इज योर आंसर।